أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. Today we are going to discuss about the topic conservation of biodiversity from chapter number 3, that is biodiversity. As you know, previous lecture में हमने क्या discuss किया था biodiversity से related. कि बायो मीन्स लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट वैरायटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाता है या पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज में इसको किस तरह से कंजर्व किया जा रहा है. जो टेक्सचुअल पॉइंट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आज कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एक्सटेंट और इनडेंजर्ड स्पीशीज. क्या मीनिंग है एक्सटेंट स्पीशीज का और इनडेंजर्ड स्पीशीज का. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि पाकिस्तान में एक्सटेंट स्पीशीज कौन सी हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पर बायोडाइवर्सिटी पर. पॉजिटिव अफेक्ट है या नेगेटिव अफेक्ट है. नेक्स्ट देखिएगा डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट स्पोर्ट ओवर हंटिंग ये सारे ह्यूमंस के एक्ट हैं जो बेसिकली अफेक्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को. अब पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं ये इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे. ओके मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो टर्म बताई गई है एक्सटेंट और इनडेंजर्ड स्पीशी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. एक्सटेंट एंड इनडेंजर्ड स्पीशीज इन टर्म्स का क्या मीनिंग है. सबसे पहले तो देख लीजिए एक्सटेंट स्पीशीज. एक्सटेंट स्पीशीज का मतलब है वो स्पीशीज जो कि एनवायरमेंट से खत्म हो चुकी है. अब इन दोनों टर्म को समझने से पहले थोड़ा सा एक साइड पॉइंट देख लीजिए कि लास्ट सेंचुरी से अब तक मॉडर्न एरा जो है जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पर बैड इंपैक्ट्स हुए हैं यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई. अब ये इंक्रीज क्यों हुई है. बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है ह्यूमन एक्शंस की वजह से. ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई है उसने बायोडाइवर्सिटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया है. अब वो कौन कौन से ह्यूमन एक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह अभी स्टडी करेंगे. आ जाइए अपनी टर्म्स पर. एक्सटेंट स्पीशीज का मतलब है वो स्पीशीज जो कि खत्म हो गई हैं. द स्पीशीज दैट इज नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम एंड वी हैव नो डाउट कि लास्ट इंडिविजुअल उस स्पीशीज का अभी अलाइव है या उसकी डेथ हो चुकी है. ठीक है एक्सटेंट स्पीशीज क्या है. व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज डेड लाइक डायनासोर्स. डायनासोर्स जो हैं हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंट हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं. इनका कोई लास्ट इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है लास्ट स्पीशी भी नहीं है जो कि अभी सरवाइव कर रही है. नेक्स्ट देखिएगा साइड बाय साइड इनडेंजर्ड स्पीशी. इनडेंजर्ड स्पीशी इज अ स्पीशी when it is at risk of extinction yani ke wo species jo ke in future extinct ho sakti hai extinction ke risk par hai usko kaha jata hai endangered species.
लाइक हम वर्ल्ड की बात तो नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज पाकिस्तान में जो खत्म हो चुकी हैं, और कुछ इनडेंजर्ड स्पीशीज जो के नियर फ्यूचर चांसेस हैं एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म होने के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडस डॉल्फिन है। इंडस डॉल्फिन पाकिस्तान में बहुत कम रह गई है, लाइक 600 इंडस डॉल्फिन रह गई है जस्ट इंडस रिवर के अंदर। तो ये क्या हुई, इनडेंजर्ड, कि इन फ्यूचर कभी भी ये खत्म हो सकती है पाकिस्तान से, एक्सटिंक्ट हो सकती। नेक्स्ट कुछ स्पीशीज ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। लॉयन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, ये वो स्पीशीज हैं जो पाकिस्तान से एक्सटेंट हो चुकी हैं। इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन ऑन रिनकोसोरस, स्वैम्प डियर, ब्लैकबर्ग, हैंगुल, ये सारी स्पीशीज पाकिस्तान से एक्सटेंट हो चुकी हैं। अगर बाहर के मुल्क से कोई लेकर आता है तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान से ये स्पीशीज एक्सटेंट हो गई, खत्म हो गई। फिर देखिएगा इनडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज का जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने देखा। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं 10,000 years ago, हमारे पास जस्ट 5 million people present थे अर्थ पर, ठीक है। 10,000 years ago, 5 million people अर्थ पर present थे, but now, अब अगर हम इसको compare करते हैं आजकल के era से, तो 700 million people जो है वो अब प्रेजेंट है अर्थ पर। यानी देखिए 5 million से लेकर 700 million, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। अब ऑफ कोर्स जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना किसी एनवायरमेंट की, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस पर इफेक्ट होता है, लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी पर, यानी कि जितनी भी वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल की, वो अफेक्ट होती है। और ये क्यों होती है, ये सब कुछ होता है जी ह्यूमन के एक्शंस की वजह से। और वो कौन कौन से एक्शंस हैं, ये देख लीजिए। नंबर 1, हैबिटेट लॉस। अब स्पीशीज तभी एक्सटिंक्ट होंगी, तभी इनडेंजर्ड की तरफ जाएंगी जब उनको एक प्रॉपर हैबिटेट यानी कि प्लेस नहीं मिल रहा होगा सरवाइव करने के लिए, ठीक है। हम तो जंगल्स को जो है वो, उसकी जगह ह्यूमन बीइंग्स की जो पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो वहां खुद रहना स्टार्ट कर देंगे, फिर एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उनके रहने की जगह, उनकी हैबिटेट तो हमने ले ली है। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना और फॉरेस्ट को लैंड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देना। ये इंसान क्यों करता है, लैंड एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट को कन्वर्ट करने का पर्पज ये होता है कि हम मनी अर्न कर लें, हम जो है वो इंडस्ट्रीज जनरेट करें। यानी ह्यूमन बीइंग अनइंटेंशनली लॉन्ग टर्म इनकम को छोड़कर शॉर्ट टर्म इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड पॉइंट इज ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मीनिंग क्या है, एक तो यह है हंटिंग के शिकार हो रहा है, ओके। ओवर हंटिंग का मीनिंग ये है कि इलीगल या लीगल बेसिस पर इतनी हंटिंग का प्रोसेस हो रहा है कि ये नहीं देखा जा रहा कि ये स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट होने वाली है, या ये स्पीशीज जो है
वो इनडेंजर्ड हो रही है, बस हंटिंग के प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड किया जा रहा है. नेक्स्ट देख लें, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है. जैसे अभी हमने पिछला पॉइंट कवर किया है, एक्सटिंक्ट हो रही है, इनडेंजर्ड हो रही है, बस उनको हंटिंग की जा रही है, रिमूव किया जा रहा है एनवायरनमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज पोल्यूशन. ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मेन फैक्टर जो पोल्यूशन है, जो नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जितने टाइप्स की पोल्यूशन है वो तो इंक्रीज होंगी. एंड द लास्ट वन, क्लाइमेट चेंज. ट्रीज ज्यादा नहीं होंगे, फॉरेस्ट कम होंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, स्मोक एनवायरमेंट में, पोल्यूशन एनवायरमेंट में, तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा. डस्टी साउथ फोग जो हमें मिलती है देखने को विंटर्स में, ये पोल्यूशन की वजह से ही है. नेक्स्ट देखें, यहाँ पर चार्ट बताए हुए हैं, एक पाई चार्ट, कि हंटिंग से 23% अफेक्ट होता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज इंट्रोडक्शन से 39%, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से 36%, और बाकी जो पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज अदर देन दैट फैक्टर्स हैं वो भी स्पीशीज एक्सटिंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ओके जी, नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि अगर आप वर्ल्ड में देखें तो एक दिन में विद इन वन डे 260,000 बेबीज जो हैं उनकी बर्थ होती है एक दिन में, वन डे कितनी 260,000, और हर एक मिनट में 180 बेबीज की बर्थ होती है. कितनी? 1 मिनट में 180 बर्ड्स. ये तो चला एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, साइड पॉइंट. नेक्स्ट आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये जो आपने बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स पढ़े हैं, सबसे मेजर थ्रेट या सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट कौन है? तो वो है जी हैबिटेट लॉस. ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, हैबिटेट लॉस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टूडे. हैबिटेट नहीं होगी, जगह नहीं मिलेगी एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि जो एनिमल्स हैं वो एक्सटेंड या इनडेंजर्ड की साइड पर चले जाएंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखिए, डिफॉरेस्टेशन, डी रिमूवल, फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट, यानी कि अगर हम ट्रीज की कटिंग करते हैं और फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन, या आप कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि फॉरेस्ट को कट किया है, ट्रीज काट दिए गए हैं और उसको लैंड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दिया है. कोई भी पर्पस हो सकता है, इंडस्ट्री डेवलप करनी है या वहां रहने की जगह बनानी है. अब ये जो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन होती है ना, यानी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, यानी वहां जितनी भी उस जंगल के अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी थी, वो बहुत बैडली अफेक्ट होगी. व्हाई? क्योंकि उसका एक एनवायरनमेंट जहां वो रहता था, एक हैबिटेट, उसको ही रिमूव कर दिया गया. अब ये जो डिग्रेडेशन है वो दो टाइप की होती है, स्लो डिग्रेडेशन एंड नंबर टू सडन फास्ट डिग्रेडेशन. ठीक है, ये जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है ये टू टाइप्स की है, नंबर वन स्लो डिग्रेडेशन एंड नंबर टू इज फास्ट डिग्रेडेशन. अब स्लो डिग्रेडेशन क्या हो सकती है? स्लो डिग्रेडेशन का मीनिंग है कि एक फॉरेस्ट है, कुछ ट्रीज जो हैं वो ह्यूमन बीइंग ने अपने फायदे के लिए वहां से कट कर दिए हैं फॉरेस्ट में से, तो इसको तो कहा जाता है स्लो डिग्रेडेशन. ये भी बैड इम्पैक्ट कॉज कर रहा है किस पर? बायोडाइवर्सिटी.
लेकिन जो सेकंड वाला डिग्रेडेशन है ना, दैट इज फास्ट डिग्रेडेशन, ये बहुत बैड इफेक्ट कॉज करता है. कैसे? कि जब फ्लड्स आते हैं, इंसान खुद पूरे पूरे फॉरेस्ट जो है उसको कट कर देता है, उसकी चॉपिंग कर देता है, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, रोड बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज बनाने के लिए. तो बहुत बैड इफेक्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी सब की सब जो है वो उस एरिया से रिमूव हो जाती है. जब बायोडाइवर्सिटी रिमूव होती है सडन या स्लो डिग्रेडेशन की वजह से, तो क्या होता है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, बैड इफेक्ट्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. नंबर वन, वाटर सॉइल का टेक्सचर एक तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा. जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल का टेक्सचर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा. और ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ना सॉइल इरोजन, सॉइल इस तरह इरोड हो जाएगी, बंजर जमीन जिसे कहा जाता, सॉइल एरोड हो जाएगी, सॉइल में से वाटर कंटेंट कम हो जाएगा. प्लांट आपको पता है एटमॉस्फेयर के साथ एक बैलेंस रखता है वाटर का, वो रिड्यूस हो जाएगा. इसके अलावा सॉइल इतनी खराब हो जाएगी, जो आपको रोडेड सॉइल नजर आ रही है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. इसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, हैवी रेनफॉल, उसकी वजह से सॉइल में से जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेंट थे, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये जितने भी सॉइल है वो मर्ड और सिल्ट, सिल्ट किसे कहते हैं, गदला पानी जो होता है, तो वहां जाकर फ्लड्स की वजह से रिवर के अंदर एंटर हो जाएंगे. और हमारे पास जो डैम्स हैं उनमें भी सिल्टेड वाटर यानी गदला पानी जो है वो एंटर हो जाएगा. डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. और उसके अलावा ये जितना भी फ्लड्स आते हैं ये भी यही इसी का ही कॉज है, इसी फैक्टर की वजह से आते हैं. ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा और सोर्सेज ऑफ रेन्स भी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी. क्लाउड फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बैडली अफेक्ट हुई हुई. लास्ट देख लीजिए फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से सपोर्ट करता है. आपको पता है फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर यही सब चीजें नहीं होंगी तो बहुत बैड इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए. फॉरेस्ट से हमें, हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं, लाइक टिम्बर है, लकड़ी, फ्यूल वुड है. टिम्बर को हम किस लिए यूज करते हैं, आपको पता है हमारे घरों में जो टेबल्स हैं, बेड्स हैं, घरों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. फिर इसका जो पल्प होता है गूदा, उससे हम पेपर्स बनाते हैं जिसके ऊपर हम लिखते हैं. इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट क्लियर करने के लिए. और टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट होते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो हर ईयर 1% जो कैनोपी है वो श्रिंक हो रही है, यानी कि फॉरेस्ट को जो है वो कट किया जा रहा है, ट्रीज की कटिंग हो रही है. लास्ट अवर हंटिंग क्या है, स्पीशीज जो के एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं या जो इनडेंजर्ड हो रही हैं उनको भी हंट कर लिया जाता है, ताकि इनडेंजर्ड तो एक्सटिंक्ट ही हो जाए और जो एक्सटिंक्ट होने वाली थी वो भी खत्म हो जाए, लाइक वेल्स, इबेक्स, मार्कोर्ड, जो पाकिस्तान में बताया गया. दिस इज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.